हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट। कोई भी अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन का सेट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। बेसिकली अगर जैसे कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में सेट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों इक्वेशंस, दोनों जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर सेट की बात करें तो लीनियर है, और नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में भी यही बात होती है, जहाँ पे दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, वो कहलाता है हमारे पास सॉल्यूशन, जो दोनों इक्वेशंस पे कट कर रहा हो। बट जब ये तो हमारे पास 2D में तो कट कर जाएगा, चलो जैसे ये हमारे पास था तो 3 और 2 पे कट कर रहा था। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 3D की, तो 3D में भी कई तरह से बन सकते हैं। 3D में हमारे पास अगर इस तरह से बन रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसे इनफाइनाइटली इस नंबर पे जो भी पॉइंट है वो सारे सॉल्यूशन है। बट अगर एक ही है तो उसका मतलब है कि वो 3D में, जो ग्राफ 3D में, इसका मतलब फ्रेंड्स वो 3D में भी एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। यानी कि इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड में अगर बात करें तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा हो, यानी कुछ इस तरह से प्लेन बन रहा होगा, ये भी प्लेन होगा, सपोज कि ये इस तरह से एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है, तो कोई एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे कट कर रहा होगा बेसिकली। तो सेट ऑफ सिस्टम का मतलब होता है हमारे पास अगर ज्योमेट्रिकली हम बात करें तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो फिगर है, जो ग्राफ है इक्वेशंस का, वो कट कर रहे हैं, सारी इक्वेशंस का, सारे इक्वेशंस ये कट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस। बट जैसे कई बार हमारे पास जब हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, जैसे हम 2D में बात कर रहे हैं, 2D में कई बार हमारे पास लीनियर इक्वेशन, सॉरी पैरेलल सीरीज, यानी ये हमारे पास आ गया, सपोज कि ये आ गया हमारे पास वाई बराबर 4 एंड ये वाई बराबर 2, तो ये हमारे पास कहीं पर भी कट नहीं करेंगे, तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बट जहाँ पर भी कट कर जाएंगे तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जो सिस्टम लीनियर सिस्टम है वो उसका सॉल्यूशन है। अब फिर यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, अब बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे कि अगर हमारे हमारे पास लीनियर सिस्टम का एक सॉल्यूशन मिल जाता है, इस तरह का एक सॉल्यूशन मिल जाता है, दो अगर दो ही उसमें वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में अगर एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को कट करते हुए मिल रही है। अगर एक से ज़्यादा यानी दो मिल गए तो इसका मतलब है हमारे पास दो मिल गए तो इस, क्योंकि ये लीनियर है, अगर एक यहाँ पर है, एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन का यहाँ, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कह सकते हैं, सॉरी, सपोज कि हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो एक सौ यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको मिलाने वाली लाइन पे भी सॉल्यूशन होगा, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर दो सॉल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह से सेम इसमें काम करता है 3 में भी, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलता है तो अगर एक ही मिल रहा है तो वो यूनिक होगा, अदरवाइज उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके टू सॉल्यूशन ही ओनली एग्जिस्ट कर रहे हो, या तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन नहीं है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास लेक्चर वन जो है वो फिनिश होता है, तो यहाँ पे कुछ इसके जो रिजल्ट है वो हमारे पास जो हमें जान लेनी चाहिए इसके बाद, व्हाट इज द लीनियर सिस्टम जिसका हमने आंसर पढ़ा था, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द लीनियर सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ये भी हमने पढ़ चुके हैं, व्हाट मैट्रिक्स आर, व्हाट आर द मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू अ लीनियर सिस्टम, व्हाट इज द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आर टू एंड हाउ टू अप्लाई द सिंपल टू सिंप्लीफाई अ लीनियर सिस्टम, व्हाट इट मीन्स फॉर टू मैट्रिक्स आर रो इक्विवेलेंट, हाउ टू यूज द मेथड ऑफ बैक सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व लीनियर सिस्टम, व्हाट इज इनकंसिस्टेंट रो इज, हाउ इज आइडेंटिफाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन व्हेन द लीनियर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम। तो ये हम ये सारे सॉल्यूशंस
हमारे जो फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर यानी कि इस लेक्चर तक जो जो भी लेक्चर्स में अभी देखेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे। लेक्चर सेकंड जो होगा वो है हमारे पास रो रिडक्शन एंड इक्विलिन फॉर्म।